हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। चिल्लर पार्टी तो ये आए हैं ये छोटे से पप्पी को निकालने के लिए, खेलने के लिए। लो बना ली, बना दो। क्यूट है ना ये भी हम दीदी देख की मम्मी नहीं एक तो दो भाई। आज हम लोग आए हैं इनके साथ खेलने के लिए और सब बच्चा पार्टी ये सब लगे हुए हैं। तो गाइस, फाइनली मैं थोड़ा बाहर घूम फिर के आ गई, क्योंकि जब अच्छा मौसम होता है तो तब थोड़ा मन कर जाता है घर से बाहर थोड़ा निकलने का। और सुबह सुबह का टाइम था तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज जो पपी हैं उनके कुछ हालचाल पूछ ले जाएं कि वो कैसे हैं और आप लोगों को दिखा दिया जाए। तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो अभी भी मतलब छोटे ही हैं, उनकी आइज़ अभी ओपन नहीं हुई हैं, थोड़ी थोड़ी आइज़ उनकी ओपन हो गई हैं। तो गाइस, मेरे को काफ़ी दिन से मतलब मैं डाइनिंग टेबल की तरफ देख रही थी, मुझे गंदा लग रहा था, बट मैं जानबूझ के इग्नोर करके निकल रही थी। बट मैंने सोचा आज इसको क्लीन कर ही देते हैं, क्योंकि और रूम्स वगैरह की भी सफाई हो गई थी, तो मैंने सोचा कि आज डाइनिंग टेबल को भी क्लीन कर देते हैं। तो गाइस, वैसे तो चेयर्स वगैरह क्लीन थी, बट क्या है ना कि ये भी थोड़ा ओपन एरिया में आती हैं तो इस पर भी थोड़ी बहुत डस्ट वस्ट हो जाती है, तो फिर इसकी चेयर वेयर हैं वो सब गंदी हो जाती हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने सोचा कि आज मैं डाइनिंग टेबल को भी क्लीन कर देती हूँ और आप लोगों के साथ वीडियो शेयर भी कर देती हूँ। तो आप लोग देख रहे हो कि मैं किस तरीके से डाइनिंग टेबल क्लीन कर रही हूँ, एकदम टेबल का कवर वगैरह, चेयर्स के कवर वगैरह सब लगाऊंगी, आप देखना। तो गाइज़, मैंने क्या है ना कि सबसे पहले ना मुझे डस्टिंग करनी होती है, मैं सबसे पहले मतलब गीला कपड़ा यूज़ नहीं करती, सबसे पहले मैं डस्टिंग करती हूँ, सारी की सारी डस्ट हट जाती है, उसके बाद मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब नॉर्मली गीला, ज़्यादा गीला नहीं, वो कपड़ा फिर उस पर यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये डाइनिंग टेबल वुड की है और वुड पर ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वुड फिर ख़राब हो जाती है। और इसकी चेयर्स हैं उस पर भी थोड़ा वुड की डिज़ाइन हो रही है, तो उस पर भी मुझे थोड़ा पानी अवॉइड करना पड़ता है, तो इसलिए सबसे पहले डस्टिंग कर लेती हूँ मैं। और ये जो आपको कर्टेंस दिख रहे होंगे, इन कर्टेंस के पीछे छोटा सा स्टोर रूम बना रखा है और थोड़ा अचार सेक्शन है, मैं आपको दिखाऊंगी कभी। अचार सेक्शन मतलब वहाँ पर टोटली अचार, मम्मी ने जो अचार वचार बनाए हैं वो बॉक्सेस में कर करके वहाँ रख दिए हैं। बहुत टाइप्स के अचार हैं, आम का, मिर्च का और मिक्स वाला और किसका, नींबू का, और मैं आपको कभी दिखाऊंगी सारे अचार। मम्मी के हाथ के बने हुए अचार मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मम्मी ऐसे अचार बना बना के रख देती हैं। और दीदी जैसे कभी ससुराल से आती हैं तो वो लोग भी अपने अपने घर ले जाते हैं, तो वो लोग भी खाते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। घर के अचार की गाइस बात ही अलग होती है, हम लोग मार्केट के कितने भी ऐसा, ये मेरे अभी चेयर से लग गई थी, जब मैं नीचे से उठ के एकदम खड़ी हुई ना, तो मेरी एकदम चेयर से लग गई थी। तो गाइस, घर के अचार जो होते हैं ना उनकी बात ही अलग होती है। तो अब देखिए कि ये जो मतलब चेयर है उसको मैं
गीले कपड़े से अब मैं साफ कर रही हूँ। मैंने ज़्यादा गीला कपड़ा नहीं किया, चेयर और उसको क्लीन कर लिया था। तो अब मेरी जो टेबल और चेयर थी वो टोटली क्लीन हो चुकी है, तो अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ कवर। गाइस आप लोग मेरी ये जो नौटंकी देख रहे होंगे, ये मेरी आदत है, क्योंकि मैं म्यूज़िक चला के और कुछ भी काम वाम करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, और जब म्यूज़िक चलता है तो गाइस ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम लोगों के हाथ पैर ना हिलें। तो बस गाइस वही मेरे साथ है, म्यूज़िक चल रहा था और मेरे थोड़े बहुत हाथ पैर हिला रही थी। तो गाइस ये है ना कि ये जो कवर है वाइट वाला, ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, तो इसलिए हम उसको कभी कभी जाते हैं। वैसे तो नॉर्मल डेज में दूसरे वाले जो कवर होते हैं, जो डार्क ब्राउन हुआ जैसे, ऐसे कलर की जो जल्दी गंदे ना हो वो, और जब कोई फेस्टिवल वगैरह आता है तब इस टाइप के कवर जा देते हैं तो फिर ठीक रहता है। और ये गाइस चेयर के कवर ये भी दूसरे हैं, ये वॉश करने डाल दिए थे तो ये वॉश हो चुके हैं। और ये क्या है ना कि जो वुड की डिज़ाइन है ना, इससे ये सेफ़ रहती है और चेयर भी सेफ़ रहती हैं। तो हम लोगों को गाइस डाइनिंग टेबल पर हमेशा कवर लगा के ही रखना चाहिए, क्योंकि बिना कवर के चेयर वगैरह सब बेकार हो जाती हैं, और उसको हमको बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि गाइस हम लोग इस पर बैठ के खाना खाते हैं और खाना खाने वाली जगह एकदम क्लीन होनी चाहिए। तो बस ये क्या है ना, ये जो जहाँ चेयर होती है वहाँ बैठने की जगह पर मैं ये कवरों को डालूंगी, क्योंकि मोस्टली क्या है ना कि हम लोग चेयर पर बैठते हैं तो वो जो सीट होती है गद्दी वाली वो गंदी हो जाती है, उसका कवर भी गंदा हो जाता है। तो मम्मी ये लेके आई थी तो मम्मा ने बोला कि ये चेयर पर जहाँ पर गद्दी होती है वहाँ डालना, तो वो क्या है ना कि ये तो वॉश हो जाएंगी लेकिन चेयर वॉश नहीं हो सकती, तो उसके बाद मैं इसको डाल रही हूँ। तो मैं आपको फाइनली गाइज क्लीनिंग हो ही गई और मैंने इस पर ये कवर चढ़ा दिया, और चेयर्स के लिए ये, क्योंकि यहाँ पर है वुड की डिज़ाइन तो उसकी सेफ्टी के लिए, और ताकि मतलब ख़राब वराब ना हो। और ये चेयर्स पर एक बोरा, एक उस चेयर पर और एक इस वाली चेयर पर भी कवर, और एक ये दोनों। गाइस फाइनली ये क्लीन हो ही गया। हेलो गाइस, आप सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे, हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू माय ऑल फ्रेंड्स। और मैंने सोचा आज फ्रेंडशिप डे है तो आप सभी को मैं विश कर दूँ। तो मेरी फाइनली क्लीनिंग हो चुकी है, और क्लीनिंग करने के बाद सबसे पहले मैंने नहाने, और फिर नहाने के बाद मैंने करी पूछा, और फिर अब मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए चाय, बिकॉज़ मेरा चाय का बहुत मन हो रहा है क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। आप लोग भी चाय पीजिए, मौसम का मज़ा लीजिए। गाइज आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो डू लाइक, डू शेयर, डू कमेंट, डू सब्सक्राइब, और बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। बाय बाय।